हेलो एवरीवन, आई एम नरेंद्र यादव, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। यूएस में इन्फ्लेशन 7.1% से घट करके 6.5% पर पहुंच गया है, जिससे निवेशकों में अटकलें हैं कि आगे चल करके यूएस फेड रेट हाइक पर नरमी बरतेगा। गोल्ड की कीमतें एमसीएक्स में ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुकी है और इस वीक चीन की जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, यूरो जोन के इन्फ्लेशन डेटा और यूएस के पीपीआई और रिटेल सेल्स के डेटा प्रेशियस मेटल्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। टेक्निकली गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में अपसाइड इस वीक भी कंटिन्यू रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। गोल्ड में सपोर्ट 55,300 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 56,600 पर है। सिल्वर में सपोर्ट 67,000 पर है, जबकि इसका रेजिस्टेंस 71,000 पर है। चीन में कोविड रेस्ट्रिक्शन कम करने के बाद क्रूड ऑयल की डिमांड मजबूत है, साथ ही डॉलर इंडेक्स और यूएस ट्रेजरी यील्ड में लगातार सेलिंग का दबाव क्रूड ऑयल की कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि टेक्निकली क्रूड ऑयल की कीमतें इस वीक भी रेंज बाउंड रहने की संभावना नजर आ रही है। क्रूड ऑयल में सपोर्ट 6200 पर है, जबकि इसका रेजिस्टेंस 6700 पर है। नेचुरल गैस की कीमतों में इस वीक भी सेलिंग का दबाव रहने की संभावना है। नेचुरल गैस में सपोर्ट 250 पर है और इसका रेजिस्टेंस 350 पर है। कॉपर के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पेरू में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के चलते कॉपर का सप्लाई डिसरप्ट होने की संभावना है, जिससे बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी बनी हुई है। बेस मेटल्स में तेजी इस वीक भी जारी रहने की संभावना है और इनको गिरावट पर बाय करके चल सकते हैं। कॉपर में सपोर्ट 750 पर है और इसका रेजिस्टेंस 784 पर है। वहीं जिंक में सपोर्ट 278 और इसका रेजिस्टेंस 293 पर है। एल्यूमिनियम में सपोर्ट 214 पर है और इसका रेजिस्टेंस 224 पर है। एग्री कमोडिटीज में जीरे का अप ट्रेंड इस वीक भी इंटैक्ट रहने की संभावना है। हालांकि धनिया और टर्मरिक में सेलिंग का दबाव इस वीक के लिए नजर आ रहा है। तो ये था हमारा इस वीक के लिए कमोडिटी मार्केट पर आउटलुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।